कहते हैं श्री राम बजो सुख में दुख में, श्री राम का नाम निरा है, श्री राम बजो सुख में दुख में, श्री राम का नाम निरा है, वो कष्ट मिटाने वाला है और सब ही दुखों में सहारा है। ये कहा जाता है कि श्री राम भजो सुख में दुख में, श्री राम का नाम न्यारा है, वो कष्ट मिटाने वाला है और सब ही दुखों में सहारा है। लेकिन अगर हम अवलोकन करें श्री राम जी के जीवन का, तो क्या उनका जीवन सुखों से भरा हुआ था? जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, पूजते हैं, उनका अपना जीवन शुरू से लेकर अंत तक दुखों से भरा हुआ था। लेकिन हम फिर भी उन्हें पूछते हैं, भगवान कहते हैं, कहते हैं कि उनका नाम लेने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन किया, उन्होंने अपने जीवन में जितने भी उनकी जीवन में घटनाएं हुई, उन्होंने सब में अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी मर्यादाओं का पालन किया, जिसलिए हम उन्हें आज भी भगवान कहते हैं। और ऐसा ही ये परिवार है, जिस परिवार की श्रीमती कांता रानी की मुखिया थी, ऐसा परिवार जो अपने धर्म का पालन करता है, ऐसा परिवार जो संस्कारी है। और आज इतने लोग जो यहाँ पर आए हैं कहते हैं, संसार में जो भी आया है उसको तो एक दिन जाना है, संसार में जो भी आया है उसको तो एक दिन जाना है, पर जो देन समाज को दे जाए, जो देन समाज को दे जाए उसे करता याद जमाना है। समाज को क्या दे दी है इसने? इस परिवार ने अच्छे बच्चे दिए, जो समाज में अच्छे संस्कारों के साथ उनका नाम रोशन कर रहे हैं। और समाज में अच्छे कार्य करके उस पुण्य आत्मा का नाम समाज में रोशन कर रहे हैं। हमारे बीच में ब्राह्मण सभा से प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी आए हैं, परिवार के साथ दुख व्यक्त करने के लिए। मैं उनसे कहूंगा कि वो आकर 2 मिनट के लिए श्रद्धा सुमन भेंट करें। श्री अश्विनी शर्मा जी, मातृशक्ति और इस परिवार के नाम स्नेह करने वाले सारे बंधु, शिव कुमार कौशल जी का परिवार, उन्होंने बेटे राजन जी, आशु जी, उन्होंने बेटी, अगर हमारी इच्छा के अनुसार काम होता है तो हमारा सुख है, और इच्छा से विपरीत होता है तो दुख है। आज सारा परिवार दुखी है। क्यों? क्योंकि किसी की इच्छा नहीं थी कि वो हमें छोड़कर चले जाएं। मैं शिव कुमार जी के बारे में, क्योंकि मैं उस पीड़ा से गुजर रहा हूं जिस पीड़ा का भी उनका सामना हो रहा है, तो जो धर्म पत्नी है वो धर्म पत्नी होती क्या है?
कि जो अपने माँ बाप बहन भाई छोड़कर आपके घर में आती है। धर्मपत्नी क्या है? जो अपने माँ बाप भाई बहन छोड़कर आपके घर में आती है और आपके घर में आकर आपके सारे रिश्ते अपनाती है, किसी की जेठानी या देवरानी, किसी की बहू, किसी की भाभी बन जाती है, लेकिन फिर भी वो आपके घर में आकर आपके सारे संस्कार अपनाती है और आप सबको खिलाकर बाद में खाती है। बच्चा के अंदर से कितनी भी दुखी हो, सबको खुश देखने के लिए वो मुस्कुराती है। और सबसे बड़ी बात जो आप सबने नोट की होगी कि आपका वंश बढ़ाने के लिए वो अपनी जान पर खेल जाती है। जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका कोई पता नहीं होता उसका जीवन बचना है या नहीं बचना, लेकिन वो आपका वंश बढ़ाने के लिए अपनी जान पर खेल जाती है और इस तरह वो अपने सारे धर्म अपनाती है। तभी तो वो धर्मपत्नी कहलाती है, धर्मपत्नी कहलाती है। लेकिन ईश्वर के आगे जोर नहीं चलता। जब कोई जी चला जाता है तो सभी एक दूसरे कहते हैं भगवान की मर्जी, भगवान ने स्वयं लिखा ऐसी, पर की किया जा सकता है? कहते ने भगवान का बनाया शरीर भगवान दे विच जाके मिल गया। क्यों? कि पांच तत्व जड़े ने शब्द ने तत्व ने जिड़े कि भगवान शब्द के विच ने। भगवान दे विच वा 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 आ ना बोला जाता है, तो उही कलिया तत्वों के नाल इंसान का शरीर बनता है। वा से भूमि, वा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, भगवान। और वही पांचों तत्वों का इंसान का शरीर बनता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान का बनाया शरीर भगवान में ही मिल गया। हमारे बीच में भाजपा के जिला प्रधान, पूर्व जिला प्रधान श्री अन्य लामता जी परिवार के साथ दुर्घट करने के लिए अन्य परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। श्री गुरदास सिंह जी सैनी परिवार के साथ दुर्घट करने के लिए आए अन्य परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ परिवार के भी जीव हैं एनडीपीसी जी, वो रिश्तेदार हैं, तो बहुत करीब से जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनके मन की भावनाएँ हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आकर दो मिनट के लिए अपने श्रद्धासुमन भेंट करें। एनडीपीसी ना ना बाबू विदा श्रीमद भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य का आधार है, असत्य का कोई आधार नहीं। ये हमारा शरीर असत्य है और शरीर में जो आत्मा है वो सत्य है। अरे जन्म पूर्व जन्म के लिए हुए कामों का भोग, भगवान दो कामों के लिए जन्म देता है, प्राणी को एक मौका देता है सुधरने का सुधारने का। अंत काले माम एक समग्न मुक्ता कले या मत बाती या नाश संचय। अंत काल में जैसी जीव की प्रवृत्ति होती है, जैसी वृत्ति होती है, उसको अगला जन्म वैसा ही मिलता है जैसा उसका भाव है, उस भाव के मुताबिक। इसीलिए भगवान का नाम लिया जाता है ताकि अंत समय में उसका नाम लिया जाए। तू बंदिया इस पापी संसार से याद करेगा ना कोई तुझको, पहले जैसे प्यार से। कहते हैं कि तू बंदिया मोह ना कर, तुझे कोई याद नहीं करेगा। लेकिन क्या वो बेटे याद नहीं करेंगे जिनकी वो माँ थी? आशु वशिष्ठ राजन वशिष्ठ वो याद नहीं करेंगे जिनकी वो माँ थी, जो वो इनके संसार में लेकर आई। तो माँ क्या है? कि मुंह से निकालते हैं निवाला खिलाती, वो रोता चुप कराती, वो हंसता मुस्कुराती,
बच्चों के दुखों पे कुर्बान करती जो अपनी जान है वही तो दुनिया में होती माँ है। हमारे बीच में परिवार के साथ दुख व्यक्त करने के लिए हमारे शहर के मेयर श्री कन्हालाल जी पाटिया आए हैं। मैं परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं बात कर रहा था कि ना कर मोह इतना तू बंदिया, इस पापी संसार से याद करेगा ना कोई तुझको पहले जैसे प्यार से। जब मैं उसमें बोलूँ तो मन से प्रार्थना करनी है, ओम दीना बंद दीना नाथ पति के पावन जगत रक्षक हाजर नाजर मृण्य निराकार साकार ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान आद अनाद सत भूत विश्व सत वर्तमान भी सत वीर कहें ये सत के हे परम पिता परमात्मा। हम जो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना और परिवार को इस बात से निवेदन है रत्न पगड़ी पूरी हो गई है एक संसार लेकर जाना है, लेकिन उससे पहले सबने मेरे साथ तीन बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भर्गो दियो यो नाम प्रचोदयागो देवस्वीमहि दियो यो नाम प्रचोदया ओम भूवत्सुरवरेण्यम भर्गो देवस्वीमहि दियो यो नाम प्रचोदया।